ब्रिज चौरासी कोस और आदि बद्री पर्वत से चार धाम की पदयात्रा पर जाने वालों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी द्वारा ब्रिज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग की कायापलट का जो काम शुरू किया गया था वो लगभग पूरा हो चुका है और 19 अप्रैल से पहले पीडब्ल्यूडी यहां पर सड़क के चौड़ाईकरण, सौंदर्यकरण और नई सड़क के निर्माण का काम भी पूरा कर लेगा। ये रिपोर्ट देखिएगा। ब्रिज चौरासी कोस परिक्रमा का करीब 150 किलोमीटर लंबा हिस्सा राजस्थान सीमा में आता है। आदि बद्री पर्वत से लेकर गोवर्धन और चार धाम से लेकर सेंत और नोरेरा की यूपी सीमा तक परिक्रमा मार्ग पूरी तरह जर्जर अवस्था में था। यहां पैदल चलना तो दूर, वाहन भी नहीं निकल सकते थे। ऐसे में यहां सालाना आने वाले करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी, भरतपुर डी कामा नगर के विधायक साधु संत और गिरिराज धरण के सेवादार कई बार पूर्व मुख्यमंत्री से मिल चुके थे। इसके बाद सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अधिकारियों को नवंबर 2017 में गोवर्धन परिक्रमा का जायजा लेने भेजा था। मंत्री ने डीग से लेकर वृंदावन तक अधिकारियों के साथ 2 दिन तक का जायजा लिया और बैठकें भी की थी। इस दौरान वे साधु संतों से भी मिले और श्रद्धालुओं से भी चर्चा की। इस बैठक के बाद से ही पीडब्ल्यूडी ने गिरिराज धरण परिक्रमा के लिए 4 पैकेज तैयार किए थे। गिरिराज की परिक्रमा पैदल मार्ग, ब्रिज चौरासी कोस व सप्त पद यात्रा। ब्रिज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग पहले पैकेज में जहां गिरिराज धरण की 7.5 कोस की परिक्रमा मार्ग के 1.5 किलोमीटर के हिस्से में सौंदर्यकरण और टॉयलेट तैयार किए गए, वहीं दूसरे पैकेज में ब्रिज चौरासी कोस के 64 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 36 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए गए। तीसरे पैकेज में नगर में सेऊ से जरखोड़ मंदिर की करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई। साथ ही चौथे और सबसे अहम पैकेज में 82 किलोमीटर लंबी सड़क डाली गई जिस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस पैकेज में राजस्थान सीमा में पड़ने वाले परिक्रमा मार्ग को दुरुस्त किया गया। वहीं ब्रिज चौरासी परिक्रमा क्षेत्र में पहले भी पैदल यात्रियों के लिए कच्चा मार्ग बनाया गया था लेकिन वह कब का खराब हो चुका था। अब इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से परिक्रमा मार्ग का मंजर बदल गया है। हालांकि पूर्ववर्ती राज्य सरकार को इस प्रोजेक्ट से पॉलिटिकल माइलेज की उम्मीद थी जो उसे मिला नहीं। बता दें कि भाजपा को भरतपुर जिले में 1 भी सीट नहीं मिली। बहरहाल सियासत से इतर बात करें तो पीडब्ल्यूडी ने यहां जो मार्ग तैयार किया उसे न केवल श्रद्धालुओं को फायदा होगा बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।